बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार कादर खान का निधन हो चुका है। बॉलीवुड के अभिनेता व डायरेक्टर कादर खान का 1 जनवरी निधन हो गया है। वह 81 साल के थे। उनका देहावसान कनाडा में हुआ है। उनके बेटे सरफराज ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बॉलीवुड के कलाकारों ने निधन पर दुख जताया है। कादर खान पिछले कई सालों से कनाडा में अपने बेटे और बहू के साथ रह रहे थे। सरफराज के अनुसार डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके हेल्थ पर नजर रखे हुए थी, लेकिन सांस में हो रही तकलीफ की वजह से उन्हें वाइब्रेट वेंटिलेटर पर रखा गया था। PSP एक असामान्य मस्तिष्क विकार है जो शरीर के गति चलने के दौरान बनने वाले संतुलन बोलने, निकलने, देखने, मनोदशा और व्यवहार के साथ सोचने को प्रभावित करता है। कादर खान के बेटे ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार वहीं कनाडा में किया जाएगा। खान के बेटे सरफराज ने कहा, मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए। लंबी बीमारी के बाद 31 दिसंबर शाम 6 बजे कनाडाई समय का उनका निधन हो चुका। वह दोपहर कोमा में चले गए थे। वह पिछले 16-17 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे। राहुल गांधी ने उन्हें निधन पर दुख जताया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी आप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक।